हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो फ्रेंड आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे साइट इंजीनियर काम करते हैं और आपकी साइट पर बिटुमिनस वर्क चल रहा है या बिटुमिनस वर्क होने वाला है। बिटुमिनस वर्क होता है जैसे हमारा डेंस बिटुमिनस मैकाडम का वर्क हो गया, बिटुमिनस मैकाडम हो गया, बिटुमिनस कॉन्क्रीट का वर्क हो गया, या जो भी एसफाल्ट वर्क जो आपके साइट पर होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड आपके लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा मेथड स्टेटमेंट फॉर डेंस बिटुमिनस मैकाडम इंक्लूडिंग बिटुमिनस मैकाडम। ओके, मेथड स्टेटमेंट मीन होता है क्रियाविधि, कोई भी काम करने की क्या क्रियाविधि होने चाहिए, क्या प्रोसीजर होने चाहिए, वो हमारी कहलाती मेथड स्टेटमेंट। तो बिटुमिनस मैकाडम या बिटुमिनस डेंस बिटुमिनस मैकाडम के लिए जो क्रियाविधि रहेगी कार्य करने की एज पर स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड, वो क्या होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो एसफाल्ट वर्क है या बिटुमिनस मैकाडम वर्क है वो ठीक से हो सके और उसमें डिफेक्ट कम से कम आए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन। द वर्क शैल बी कैरिड आउट एज पर IRC 27। डेंस बिटुमिनस मैकाडम या बिटुमिनस मैकाडम का जो वर्क है वो आपको एज पर IRC 27 के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। अगर आप बिटुमिनस मैकाडम या डेंस बिटुमिनस मैकाडम को वर्क करने जा रहे हैं तो आपको IRC 27 जरूर स्टडी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द DBM विल बी टेकन अप वैन। जो DBM का वर्क है वो आपको कब करना चाहिए या कब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हम DBM का वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, द WBM हैज कम्प्लीटली ड्राइड फॉर अप्रोच एरिया एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्योरिंग पीरियड ऑफ द ब्रिज डेक इन वायाडक्ट पोर्शन। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे आ गया है ब्रिज डेक आ गई, यानी कि जो ब्रिज का पोर्शन होता है, पहले हम ब्रिज में चल लेते हैं फिर इसके बाद आप रोड पे आ जाइएगा, ठीक है। तो ये ब्रिज का अगर अप्रोच इसमें आप WBM का वर्क कर चुके हैं तो WBM का वर्क आपका पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, यानी WBM या WMM आपका ड्राई हो गया होना चाहिए। और उस पर जब आपका जो क्योरिंग पीरियड है, जो ब्रिज का क्योरिंग पीरियड है वो कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद ही आपको उस पर जो अप्रोचेस है वहाँ पर बिटुमिनस मैकाडम या DBM का वर्क अलाउ करनी चाहिए। अगर आपका कंस्ट्रक्शन या कंक्रीट जो है वो अंडर क्योरिंग है तो तब आपको उस पर DBM या बिटुमिनस मैकाडम का काम नहीं करना चाहिए ब्रिज की अप्रोचेस के लिए। नंबर पॉइंट नंबर बी, बिफोर स्टार्टिंग विथ DBM द WBM सरफेस विल बी चेक्ड एंड रेक्टिफिकेशन इफ रिक्वायर्ड विल बी डन बाय रिमूविंग द होल डेप्थ फॉर द अफेक्टेड एरिया एंड रेक्टिफाइंग द सेम विथ न्यू मटेरियल। हाउएवर इन केस ऑफ माइनर एंडुलेशन इन WBM ऑब्लिक ब्रिज डेक सरफेस प्राइमिंग कोट एप्लीकेशन विल स्टार्ट एज यूजुअल एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ DBM मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी फिल्ड द सर्फेस विल थॉरली बी क्लीन फ्रॉम डस्ट। देखो DBM का वर्क स्टार्ट करने के पहले आपको ये ध्यान रखना है जो आपकी WBM की सरफेस है या WMM की सरफेस है वो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए, और उसमें अगर कहीं कोई रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो आपको WMM और WBM का रेक्टिफिकेशन उसकी पूरी थिकनेस में करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको WMM या WBM डैमेज हो रहा है तो सिर्फ आप ऊपर से उसको डैमेज रिपेयर कर दें और उसके ऊपर आप DBM अलाउ कर दें, ऐसा नहीं करना है। अगर आपका WBM या WMM में रेक्टिफिकेशन का काम है तो आपको पूरी होल डेप्थ में करना है, ठीक है। और होल डेप्थ में करने के बाद अगर कहीं पे कोई अंडुलेशन भी बन रहा है तो वो अंडुलेशन भी आपको मेंटेन कर लेना चाहिए, और इसके बाद उस पर प्रॉपर प्राइमिंग कोट करना चाहिए, और प्राइमिंग कोट करने के बाद ही उस पर DBM अलाउ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी, द वेदर इज ड्राई हैविंग टेम्परेचर मोर देन 10°C। हमारा जो मौसम है या एनवायरनमेंट है उसमें
ड्राई होना चाहिए, यानी कि कहीं पे ऐसा आप कोहरा हो जाता है या बारिश होती है या ओस होती है तो वैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, आपका वेदर ड्राई होना चाहिए और आपका जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम 9.4.3, जॉब मिक्स क्रश्ड स्टोन, स्टोन डस्ट, हाइड्रेटेड लाइम एंड बिटुमिन विल बी यूज्ड एज पर जॉब मिक्स फॉर्मूला। आपके DBM या बिटुमिनस कंक्रीट के लिए या बिटुमिनस मैकाडम के मिक्स के लिए जो भी आप क्रश्ड स्टोन यूज कर रहे हैं, स्टोन डस्ट यूज कर रहे हैं, हाइड्रेटेड लाइम यूज कर रहे हैं, हाइड्रेटेड लाइम जो हम फिलर में यूज करते हैं, और जो भी बिटुमिन यूज कर रहे हैं आप, जिस ग्रेड का बिटुमिन आपको स्पेसिफाइड है वो आपको एज पर जॉब मिक्स फॉर्मूले के अनुसार ही करना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड कि अगर आप DBM या बिटुमिनस कंक्रीट या बिटुमिनस मैकाडम का वर्क कर रहे हैं तो आपको जॉब मिक्स फार्मूला बहुत ही सावधानी पूर्वक स्टडी करना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि जो भी एग्रीगेट फिलर या बिटुमिन यूज हो रहा है वो आपके जॉब मिक्स फार्मूला के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम पढ़ते हैं, मिक्सिंग विल बी डन इन ए हॉट मिक्स प्लांट, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट सेल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 टन पर आवर्स। आपके बिटुमिनस मैकाडम या डेंस बिटुमिनस मैकाडम या जो भी एस्फाल्ट है उसकी जो मिक्सिंग होगी प्लांट वो आपको हॉट मिक्स प्लांट में करना है। ठीक है, और हॉट मिक्स प्लांट जो रहेगा आपका उसकी कैपेसिटी 30 टन पर आवर के अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सर्फेस ऑफ WBM सेल बी थॉरोली क्लीन ऑफ ऑल डस्ट एंड ऑयल एट्सेट्रा। जो WBM की सरफेस है जिसको आप बेयरिंग कोर्स बोलते हैं फ्रेंड, तो बेयरिंग कोर्स की सरफेस जैसे WBM WMM की सरफेस है वो धूल, उस पर कहीं भी धूल जमी हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम क्या करते हैं WBM या WMM का वर्क करते हैं फ्रेंड, तो उसका जो फाइंस होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और ऊपर एक डस्ट की लेयर जमा लेता है, तो वो अगर डस्ट की लेयर आपकी रह जाएगी और उसी के ऊपर आप ऊपर आप बिटुमिनस मैकाडम या DBM का वर्क कर देंगे तो आपकी जो बॉन्डिंग रहेगी एक एस्फाल्ट की और बेयरिंग कोर्स के बीच की जो बॉन्डिंग रहेगी वो बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपका जो एस्फाल्ट लेयर है या DBM का लेयर है वो आपके WBM के ऊपर से स्लिप हो जाएगा। इसलिए हमें उस पे से जो उसकी धूल है WBM लेयर की या WMM लेयर की और जो भी अगर ऑयल कहीं पे आ गया है तो वो साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग विल बी डन विथ पेवर फिनिशर ऑर्डर वाइड एरियाज, हाउ एवर फॉर नैरो एरियाज मैनुअल स्प्रेडिंग विल बी डन आफ्टर अप्रूवल ऑफ इंजीनियर इन चार्ज। अब जो DBM का हॉट मिक्स है या बिटुमिनस मैकाडम का हॉट मिक्स है उसको स्प्रेड कैसे करना फ्रेंड, तो उसको स्प्रेड करने के लिए आपको पेवर फिनिशर का यूज करना चाहिए, जहाँ पर आपके चौड़े एरियाज है वहाँ पर आप पेवर फिनिशर का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पर आपका जो पेवर फिनिशर है वो नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर आप मैनुअली भी स्प्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंजीनियर इंचार्ज की अप्रूवल ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चलते फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए तो इसको बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। ये है हमारी रोलिंग, जो DBM या एस्फाल्ट लेयर की रोलिंग कैसे करनी है आपको और क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करनी है समझते हैं। रोलिंग में है हमारा, इनिशियल रोलिंग विल बी डन बाय 8 to 10 टन स्टेटिक रोलर, इंटरमीडिएट रोलिंग एंड फिनिशिंग रोलिंग विल बी डन विथ वाइब्रो रोलर। देखो जब आप जो आपको हॉट मिक्स है उसका लेइंग कर लेंगे पेवर की मदद से, तो जब आपका टेम्परेचर उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ऐसे इस कंडीशन में आपको 8 से 10 टन का स्टैटिक रोलर यूज करना। स्टैटिक रोलर जो आपके 3 पहिए वाले रोलर होते हैं वो आपके स्टैटिक रोलर कहलाते हैं, और आपको वही 8 से 10 टन का स्टैटिक रोलर यूज करना है जबकि आपकी इनिशियल स्टेज एस्फाल्ट पेमेंट की जो आपने लेइंग किया है, जब लेइंग करने की इनिशियल स्टेज रहेगी तब आपको स्टैटिक रोलर यूज करना चाहिए। इंटरमीडिएट रोलिंग एंड फिनिशिंग रोलिंग विल बी डन विथ वाइब्रो रोलर। अब इंटरमीडिएट रोलिंग क्या होती है फ्रेंड, जब हमारा जो टेम्परेचर, देखिए जो हॉट मिक्स रहता है फ्रेंड आपका, वो आप प्लांट से अप्रोक्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप हॉट मिक्स प्लांट से भेजते हैं, तो लेइंग करने के टाइम उसका टेम्परेचर लगभग 130-135 डिग्री रहता है, तो 130-135 डिग्री पे हमें इनिशियल रोलिंग करते हैं तो वो हमारी 8 से 10 टन के स्टैटिक रोलर से हो जाती है। इसके बाद जब उसका जो टेम्परेचर है वो 100-90 डिग्री के आसपास आता है तब हमें उसकी इंटरमीडिएट रोलिंग करना होती है और वो हमें करनी है वाइब्रो रोलर
सोलर से। जब हमारा टेम्परेचर इससे भी और नीचे हो जाता है लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो हमें उसकी एक फिनिशिंग रोलिंग करना होती है जो कि हमें वाइब्रो रोलर से ही करनी चाहिए। आगे चलते हैं। रोलिंग विल बी डन फ्रॉम आउटर एज टू इनर एज। द रोलर शैल प्रोसीड ऑन द फ्रेश मटेरियल विथ रियर व्हील लीडिंग सो एज टू मिनिमाइज द पुशिंग ऑफ मिक्स एंड ईच पास ऑफ रोलर शैल ओवरलैप ऑन प्रोसीडिंग 1/2 ऑफ द विड्थ ऑफ रियर व्हील। देखो जब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो आपकी रियर रोलर की प्रोसीडिंग रहेगी वो आउटर से इनर एज की तरफ, यानी आपको जो रोलर चलाना है वो आपकी रोड की आउटर एज से इनर एज की तरफ आपको रोलर को ले जाना है, और आपको रोलर इस प्रकार से चलाना चाहिए कि जब आपका जो स्टैटिक रोलर का जो फ्रंट व्हील रहेगा वो फ्रंट व्हील आपका इस प्रकार से चले कि उसके आधे हिस्से पर आपके रियर व्हील आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको आपका स्टैटिक रोलर चलाना है। आगे पढ़ते हैं। द पेवर विल स्प्रेड 2.7 मीटर वाइड मटेरियल अप टू द डिसाइडेड लेंथ। जो हमारा पेवर रहेगा, जो पेवर की लेंथ विड्थ रहेगी चौड़ाई में, वो रहेगी 2.7 मीटर की चौड़ाई में हमें बिछाना चाहिए। और जो भी डिसाइडेड लेंथ है, जैसे आपको डिसाइड कर लिया कि जो आपका एक डंपर है वो एक डंपर आपको 15 मीटर की लंबाई में बिछाना है, तो आपको वो 15 मीटर की लंबाई में 2.7 मीटर की चौड़ाई में आपको लेइंग करनी चाहिए। द व्हील ऑफ रोलर शैल बी कीप्ड मॉश टू प्रिवेंट द मिक्स एडहेरिंग टू देम। जो आपके रोलर के व्हील्स रहेंगे उसको आपको नमी रखना, उसको गीला करके रखना, जिससे जो आपकी एस्फाल्ट होती है फ्रेंड वो रोलर के व्हील में नहीं चिपकेगी और आपका जो फिनिशिंग रहेगा वो प्रॉपर आ जाएगा। रोलिंग विल कंटिन्यू टिल फील्ड डेंसिटी इज अचीव टू 98% ऑफ लेबोरेटरी डेंसिटी इन मार्शल मोड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड कि आपको रोलिंग कब तक करनी है। रोलिंग आपको फ्रेंड तब तक करनी है जब तक कि आपकी जो एस्फाल्ट लेयर की डेंसिटी है वो आपके मार्शल मोल्ड के डेंसिटी के 98% ना आ जाए, तब तक आपको उसकी रोलिंग करती रहना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, मार्शल मोल्ड फ्रेंड जब आप मार्शल स्टेबिलिटी का टेस्ट करें तो उसमें आप डेंसिटी भी निकालते हैं, तो उस डेंसिटी का आपको फील्ड पे 98% कॉम्पैक्शन चाहिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम जॉइंट प्रिपरेशन। अब फ्रेंड जॉइंट क्या होते हैं, देखिए क्या होता है जब भी आप वर्क को स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आज वर्क को स्टार्ट किया और मैंने जाकर 50 मीटर पे छोड़ दिया। ठीक है, 50 मीटर करने के बाद जब मैं अगले दिन आऊँगा तो अगले दिन मैं फिर से काम स्टार्ट करूँगा, तो ऐसी कंडीशन में मेरा पुराने एस्फाल्ट और नए एस्फाल्ट के बीच में एक जॉइंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो वो जॉइंट में फ्रेंड आपको कैसे आप अगले दिन का काम स्टार्ट करेंगे, उस जॉइंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे वो इस पॉइंट पर हम समझेंगे। जॉइंट प्रिपरेशन में है ऑल ट्रांसवर्स जॉइंट शैल बी कट एंड पेंटेड विथ हॉट बिटुमिन। ए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट शैल बी हीटेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टार्ट नेक्स्ट ऑपरेशन। देखो अब ट्रांसवर्स जॉइंट क्या होते हैं फ्रेंड, जैसे एक मैं ये रोड बना देता हूँ। ठीक है तो इसमें जो मेरे ये वाले जॉइंट आएंगे फ्रेंड, ठीक है, रोड के ट्रांसफर डायरेक्शन में जॉइंट आएंगे, ये मेरे कह रहे ट्रांसफर जॉइंट। तो ये वाले जो जॉइंट रहेंगे फ्रेंड उसमें मुझे क्या करना है, जो अगले दिन का काम स्टार्ट करूँगा तो उसको मैं लगभग 1 इंच की मोटाई में काट लूँगा। 1 इंच काटने के बाद उसको पेंटेड विथ हॉट बिटुमिन, गर्म बिटुमिन से उसको पेंट करूँगा और फिर अगले दिन का काम स्टार्ट करने लग जाऊँगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा ट्रांसफर जॉइंट। अब है मेरे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो इस प्रकार के जॉइंट अगर आएंगे, जो लेन चेंजेस आएंगी मेरी लेन, नेक्स्ट लेन का काम जब स्टार्ट होगा, तो ऐसे जॉइंट को करने के लिए मुझे ये जो मेरी एज रहेगी ये वाली एज, इसको मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करूँगा और फिर इसके बाद में उसकी नेक्स्ट लेयर अलाउ कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। टेम्परेचर हॉट मिक्स का टेम्परेचर, लेइंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए ये हम समझ लेते हैं। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ लेइंग शैल बी बिटवीन 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जब लेइंग का जो टेम्परेचर, जब आप फिनिशर पेवर से आपका हॉट मिक्स बिछा रहे होंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रोलिंग ऑपरेशन टू बी कंप्लीटेड विथ इन मिक्सिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपकी रोलिंग का टेम्परेचर है, जो आप रोलिंग करना है आपको, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के
ऊपर आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एक्यूरेसी। ठीक है, सरफेस एक्यूरेसी में क्या देखना, हमने जो हॉट मिक्स या एसफाल्ट का लेयर किया है उसकी सरफेस हमारी ठीक हुई है नहीं हुई वो कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सरफेस एक्यूरेसी में पढ़ेंगे विद एन एज ऑफ 3 मीटर द मैक्सिमम अलाउएबल अंडुलेशन शैल बी लेस देन 6 mm एंड 10 mm इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अगर हम एक 3 मीटर का स्ट्रेट एज लें और उससे आपकी सरफेस की रेगुलरिटी को चेक करें तो फ्रेंड हमारा जो अंडुलेशन है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 10 mm से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। However, maximum number of undulation exceeding 6 mm in any 300 meter in longitudinal length shall not exceed 20 meter। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन। चलिए अब मान लीजिए हमारी सरफेस में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई या कुछ हमारा जो डैमेज हो गया अगर एसफाल्ट पेमेंट, तब हमें क्या करना, तो रेक्टिफिकेशन में हम पढ़ते हैं द सरफेस एक्यूरेसी शैल बी चेक्ड इमीडिएटली आफ्टर रोलिंग सरफेस इरेगुलरिटी मच विच फॉल आउटसाइड द स्पेसिफाइड टॉलरेंस एज स्टेटेड अबव शैल बी रेक्टिफाइड बाय रिमूविंग नॉट लेस देन 10 square meter एरिया एंड रिलेइंग विथ फ्रेश मटेरियल इन नो केस शैल डिप्रेशन बी फिल्ड विथ स्क्रीन और बाइंडिंग मटेरियल। देखो क्या है, अगर मान लीजिए कहीं रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो हमें कम रेक्टिफिकेशन फ्रेंड हम 10 square meter एरिया से कम में नहीं कर सकते, हमें मिनिमम 10 square meter एरिया का एक पेंच बनाना होगा और उसमें फिर से जो पुराना मटेरियल वो निकालना है और उसमें फ्रेश माल डालना है। ठीक है, और उसमें प्रॉपर बाइंडिंग मटेरियल भी यूज करना है। ओके फ्रेंड, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। और आप हमारी वेबसाइट पर भी ये जानकारी स्टडी कर सकते हैं जिसका नाम है highwayengineeringblog.blogspot.com। ओके फ्रेंड, बाय बाय।